वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर क्लास 9 का रीडिंग सी सालू मारादा थीमक का, जो कल अधूरा हो गया था, उसके सेकंड पार्ट के बारे में रीडिंग करेंगे। हम लोगों ने पहले ही पार्ट में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की, कैसे सालू मारादा थीमक का बनी, कैसे उनके पति हैं उनकी सहयोग किए, तो इस प्रकार से उनको पढ़ चुके थे हम लोग। यहाँ पे आए थे बच्चों, लिखा हुआ है अदर सोशल एक्टिविटीज ऑफ थिमक्का। देखिए बच्चों, ये अदर सोशल एक्टिविटीज ऑफ थिमक्का, अन्य सामाजिक कार्यक्रम थिमक्का का, थिमक्का का और क्या क्या सामाजिक क्रियाकलापों में उन्होंने जो भाग लिया था, इसके बारे में बताते हैं। तो बताए, देखते हैं बच्चों। सालू मारादा थीमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज। सालू मारादा थीमक्का पेड़ लगा करके ही नहीं रुकी। अब ऐसा नहीं कि जीवन में मैंने पेड़ लगा दिया, खुश हो गया, इतने में बस रुक गया, हाँ मुझे अब जीवन में और कुछ नहीं करना, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने पेड़ लगाने के बावजूद भी उन्होंने और कई सारे सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हुए। शी गॉट इन्वॉल्वेड इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टैंक टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज। उन्होंने और कई प्रकार की सामाजिक कार्यों में भाग लिया। इन्वॉल्व होना मतलब सम्मिलित होना। वेरियस विभिन्न सोशल एक्टिविटीज सामाजिक कार्यक्रमों में, लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, तालाब का निर्माण करना। तालाब निर्माण करने में, क्यों तालाब का निर्माण कर रहे थे? स्टोर रेन वाटर, वर्षा जो जल पानी जो गिरता है उस पानी को बहने से बचा करके एक जगह पे संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। फॉर द एनुअल फेयर, वार्षिक मेला जो होता है उसमें इसका उपयोग हो सके, इसलिए उनके द्वारा, उनके गांव में जो वार्षिक मेला होती है, उस वार्षिक मेला में वर्षा के जो पानी है, वर्षा के जो जल है, उसे टैंक में एकत्रित करके, टैंक का निर्माण करके, तालाब का निर्माण करके, एकत्रित करके उसका उपयोग मेला में कर सके, यह सोच करके उसके गांव में तालाब बनाया जा रहा था जी। तो उसमें भी वे बढ़ चढ़ करके भाग ली। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि केवल पेड़ लगाने से ही उनका काम, उद्देश्य की पूर्ति होगी, ऐसा नहीं, वे अन्य सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया। She has plans of building a hospital। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे बताया जाता है कि उन्होंने गांव में, इन हर विलेज, अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनाने की भी योजना बनाई थी। ठीक है बच्चों, उन्होंने बनाई एक योजना भी बनाई, अपने गांव में कम से कम एक हॉस्पिटल रहना चाहिए भाई, ऐसा उन्होंने हॉस्पिटल बनाने के बारे में योजना बनाई। एंड हैज सेट अप ए ट्रस्ट, और इसी के लिए एक ट्रस्ट, एक समिति का गठन किया। फॉर द पर्पस, इसके देख रेख के लिए, इसका निर्माण के लिए भागीदार हो, इसके खर्चे के लिए देखभाल करें, दस्तावेजों का निर्माण करने के लिए, इसका देख रेख करने के लिए उन्होंने एक समिति का भी गठन किया। तो इस प्रकार से सालू मारादा थीमक्का अन्य गतिविधियों में भी, सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेती थी। शी इज एन एक्टिव क्रशर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनारोपण, वृक्षारोपण करना, मतलब जंगल लगाओ, पेड़ लगाओ, जंगल बनाओ, ये जो होता है इसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, वनारोपण। तो ऐसा संदेश देने में, संदेश को स्प्रेडिंग मतलब फैलाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्रसेडर मतलब होता है मन लगा करके कार्य करना, एक्टिव मतलब होता है सजग रहना, सक्रिय रहना। तो वनारोपण का संदेश पहुंचाने के लिए, लोगों में पहुंचाने के लिए बहुत एकदम एक्टिव रहती थी, हमेशा सक्रिय रहती थी, हमेशा ऐसे संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम करती ही रहती थी। इनका ये ऐसा काम है, बढ़िया मन लगा करके करती थी, समझ रहे हैं बच्चों, इन्होंने बढ़िया खुश होकर के बढ़िया ऐसा काम किया है। हर सिंपल फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज दैट, उनकी जीवन की एक छोटा सा सोच है फिलॉसफी, उनकी एक छोटी सी मानसिकता है, उनका एक छोटा सा उद्देश्य है, लक्ष्य है, सोच है, क्या कहते हैं अपने जीवन की एक लक्ष्य, क्या बोल रही है, एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लीव
बिहाइंड सम एसेट फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए कोई ऐसा छाप छोड़ के, एसेट मतलब छाप या संपत्ति, तो हमें हर व्यक्ति को, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को जो इस पृथ्वी में निवास करता है, इस पृथ्वी में रहता है, उसे अपने पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, अपने पीछे कुछ ना कुछ संपत्ति अपनी मानवता के लिए छोड़ के जाना चाहिए। अब संपत्ति का तात्पर्य सुनना चाहिए छोड़ के जाओ, जायदाद छोड़ के जाओ, जमीन छोड़ के जाओ, ऐसा नहीं। मानवता के लिए मतलब मनुष्य जीवन में कुछ उपयोगी हो, अच्छाई हो, पेड़ लगाओ पृथ्वी को बचाने के लिए। आज नदी है जो बारह माह कभी बहती थी, वो आज गर्मियों के दिनों में सूख जाती है, इसी की कमी की वजह से वर्षा नहीं हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है। तो इन सब चीजों को मानवता है, इसमें क्या है, घुल मिल रहा है और मानवता है, बदनाम होते जा रही है ना। तो ऐसा ना हो, कुछ अच्छी चीजें करके जाओ जो हमारे मानवता के लिए उपयोगी हो, तो ऐसे हर व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा उनकी जीवन की एक सोच है। शी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस, वो आज भी आर्थिक संकट से जूझ रही है, आज भी उनके पास पैसों की कमी है। इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद भी उनके पास आज भी क्राइसिस मतलब समस्याएं, परेशानियां, उनके पास आर्थिक संकट का सामने परेशानियां है। एंड जस्ट मैनेजेस टू समहाउ मेक ए लिविंग फ्रॉम द वेरियस अवार्ड्स एंड ए मंथली पेंशन, वह अपना जीवन माह में जो मिलने वाले पेंशन होते हैं ना, उनसे, उनके जो पैसे हैं और साथ में कुछ पुरस्कारों के जो आते हैं पैसे, इन्हीं से अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। और किसी प्रकार से इनके पास विशेष कोई धन संपत्ति या फेमस को ऐसा कुछ नहीं है, इतनी सीधी सादी इनका जीवन है, इनका सामान्य, इनका दिनचर्या, जीवन चल रहा है। तो इस प्रकार से एक महान हस्ती है अपने आप। But this has never managed to kill her spirit. लेकिन ऐसी समस्याएं इनकी अंतरात्मा के जो जुनून है, इसे मिटाने, इसे मार पाने में असमर्थ हो गया, इसे मिटाने में असमर्थ था। क्या समस्याएं सामने में, कई सारी कठिन समस्याएं, लेकिन ये समस्याएं उन्हें हार या निराशा नहीं दे पाई। वे हमेशा अपने मन में ठान के रखी, इस प्रकार से मुझे अच्छे काम करते रहना है। और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड, मानवता के लिए अच्छे कार्य करने में जो उनके मन में जो बसा हुआ था बार, तो इसे मिटा पाने में जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, गरीबी स्थिति थी, है ना, ये उसे मिटा पाने में असमर्थ थी, इसने मिटा नहीं पाया। तो इतना जुनून उसके मन में बिल्कुल अपने मानवता के लिए काम करने का है। तो इस प्रकार से इनकी सामाजिक कार्य हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट बोलता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमक्का। थिमक्का के कुछ पुरस्कार और उनकी पहचान, थिमक्का के पहचान और उनके पुरस्कार। तो इस प्रकार से इसके बारे में आगे पढ़ते हैं बच्चों, कौन कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है और कौन कौन सी पहचान इनको मिली हुई है, देखते हैं। सालुमरादा थिमक्का इज द आइडल ऑफ एवरी एनवायरमेंटलिस्ट टुडे। आज के जमाने में जो पर्यावरणविद है, पर्यावरण के बारे में विशेषज्ञ जो है, इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, इनके लिए थिमक्का है आज उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, आइडल प्रेरणा है, बिल्कुल लोग इसे करके प्रेरित होते हैं कि इनके समान हम भी कार्य करके दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से आज उनके लिए प्रेरणा है, सभी पसंद करते हैं उन्हें। शी हैज शोन द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया को दिखाया हाउ वन इलिटरेट वुमेन कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस टू द सोसाइटी थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। उन्होंने आज दुनिया को यह दिखाया कि कैसे एक इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, अशिक्षित, कैसी एक अशिक्षित महिला समाज से अलग होकर के, सोसाइटी समाज से अलग, अपनी कठिन परिश्रम और धैर्य से कैसे विशेष कार्य करके दिखा सकती है, ये दुनिया को उन्होंने दिखाया। ठीक है बच्चों, शी हैज बीन ऑनर्ड विद टाइटल्स।
उन्हें निम्न प्रकार के नामों से भी इनको नवाजा गया, उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें क्या क्या कहा जाता है, जैसे कि वन मित्र, उन्हें वन मित्र नाम कहा जाता है, निसर्ग रत्न, निसर्ग रत्न, निसर्ग रत्न भी कहा जाता है, उसी तरीके से वृक्ष प्रेमी नाम दिया गया है इन्हें, एंड वृक्ष श्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्या क्या नाम है बच्चों? वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी, वृक्ष श्री, इस प्रकार से ऐसे शब्दों का उपयोग उनके लिए किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया गया है। फॉर हर अनकम्प्रोमाइजिंग एफर्ट टूवर्ड्स सेविंग द एनवायरमेंट शी हैज बीन कन्फरेड विथ सेवरल अवार्ड्स। उनका दृढ़ प्रयास, अनकम्प्रोमाइज मतलब दृढ़, कंप्रोमाइज मतलब समझौता करना, अनकम्प्रोमाइज मतलब समझौता ना करना, हट या दृढ़, उनके दृढ़ प्रयास ने, दृढ़ प्रयास किसके लिए किए, सेविंग द एनवायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने कई सारे कार्य किए, कठिन परिश्रम किए, कई सारे दृढ़ निश्चय उन्होंने जो दृढ़ प्रयास किए, कभी हार नहीं माने, तो इसी चीज ने, इसी बात ने, शी हैज बीन कन्फर्टेड विद सेवरल अवार्ड्स, इसी के कारण इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया, कई प्रकार के सम्मान से इन्हें नवाजा गया, एंड सिटेशंस, और साथ में इन्हें सिटेशंस मतलब होता है बच्चों, इन्हें अधिकार दिया गया, कई प्रकार से इन्हें सम्मानित करके इन्हें अधिकार दिया गया, कैसे कैसे अधिकार मिले इनको, इंक्लूडिंग निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए, क्या क्या, नेशनल सिटीजन अवार्ड 1995 में इन्हें राष्ट्रीय नागरिकता का पुरस्कार दिया गया, ऑनर सर्टिफिकेट फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, महिला और बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग रहता है ना इन, जिसमें बच्चों और केवल महिलाओं के देखभाल किया जाता है, इनके द्वारा, इस विभाग के द्वारा इन्हें सम्मान के, सम्मान पूर्वक एक पत्र, प्रमाण पत्र दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की जो सरकार है, इनके जो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, इनके द्वारा इन्हें बढ़िया सम्मानित किया गया। विशालक्ष्मी अवार्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला ऐसी संस्था है, इसके द्वारा इन्हें विशालक्ष्मी नाम का एक सम्मान से सम्मानित किया गया, एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, बहुत ही सम्माननीय, प्रशंसनीय, एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसनीय, फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, बेंगलोर की एक संस्था है, क्या संस्था है, वन विज्ञान और तकनीकी, भारतीय वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्था बेंगलोर के द्वारा इन्हें प्रशंसा पुरस्कार, प्रशंसा प्रमाण पत्र इन्हें दिया गया, इस प्रकार से इन्हें विभिन्न प्रकार के अपने कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स, पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। तो इस प्रकार से हमें इस लेसन से भी यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि किस प्रकार से हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमारे जीवन में पेड़ का कैसा महत्व है, पर्यावरण कैसे महत्वपूर्ण है एक मनुष्य के लिए, मानवता के लिए, हमें कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए, इस प्रकार से ये हमें कई सारे संदेश, कई सारे मैसेज, कई सारी बातें हमें देती है। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन हमारा आज कंप्लीट हो जाता है, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।